हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। बात करने वाले एक आईटी स्टॉक के बारे में, ये जबरदस्त कंपनी और अभी अभी इस कंपनी का आईपीओ आया था मार्केट में, और आईपीओ के बाद इसमें जबरदस्त रैली भी हुई और करेक्शन भी हुआ और अभी करेक्शन में चल रहा है स्टॉक। और इस कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आप देख सकते हो ये कंपनी डिजिटल एनालिटिक्स फर्म है और ये अच्छा काम करती है। आप सोचोगे तो ये कंपनी का काम जबरदस्त काम है। द कंपनी प्रोवाइड बिजनेस एनालिटिक्स। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में नए नए हैं, तो आपको कुछ कॉन्टैक्ट की जरूरत है, आपको कहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है, कैसे आपको बिजनेस करना है, ये सब कुछ डेटा आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसे इस कंपनी का बिजनेस है डेटा इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एनालिटिक्स, रिस्क एंड कंप्लायंसेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, तो बहुत सारे एनालिटिक्स प्रोवाइड करती है। तो एक मार्केट का आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। मार्केट में आपको जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह चाहिए, जिस भी कंपनी के साथ आपको बिजनेस करना है, उस कंपनी के सभी कॉन्टैक्ट। तो ऐसा इनका बिजनेस है, थोड़ा मॉडिफाइड और अलग लेवल का बिजनेस है इस कंपनी का। और ये कंपनी अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती है और इनके कस्टमर्स भी है वर्ल्ड वाइड। और देख सकते हो लेटेंट व्यू प्रोवाइड 360 डिग्री व्यू डिजिटल कंज्यूमर इनेबलिंग कंपनीज और रिवेन्यू स्ट्रीम्स, एंटिसिपेट प्रोडक्ट ट्रेंड एंड पॉपुलैरिटी। तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इस कंपनी का हर कोई यूज करता है। और आप देख सकते हो अभी ये शेयर चल रहा है 388 रुपीज पे और कल के दिन इसमें 3.6% की जबरदस्त रैली हुई है। और आप देख सकते हो अगर देखोगे ईयर टिल डेट में तो ये शेयर 30% डाउन चल रहा है। ये शेयर 600 के ऊपर चल रहा था, 700 तक गया था ये स्टॉक। आप देख सकते हो मैक्सिमम देखोगे तो ये कंपनी, इसका 52 वीक हाई है 754 रुपीज और इसका 52 वीक लो है 305 रुपीज। तो 50% से भी ज्यादा इसमें करेक्शन हो चुका था और करेक्शन के बाद अभी अभी संभला है शेयर। और मैक्सिमम में आप देखोगे तो अभी भी ये 44% डाउन चल रहा है शेयर। तो इस करेक्शन का फायदा उठा ये, इसमें इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अभी अभी इस कंपनी का आईपीओ आया है और कंपनी ने अच्छे रिजल्ट भी पेश किए, जबरदस्त रिजल्ट दिखाया है कंपनी ने। और अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 7790 करोड़, इसका फेस वैल्यू 1 है। फ्यूचर में स्प्लिट तो नहीं, बोनस दे सकती है कंपनी आगे चल के। और अभी हम आते कंपनी के रेवेन्यू पे। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो कर रही है और अभी 22 में कंपनी ने 206 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ दिखा रही है और अभी 22 में कंपनी ने 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। और आप देख सकते हो अभी क्वार्टरली में देखोगे तो आप सितंबर 22 अभी अभी रिजल्ट इन्होंने पेश किए और जबरदस्त रिजल्ट पेश किए। सितंबर 22 में आप सेल्स अदर इनकम टोटल इन्कम देखोगे तो 74 करोड़, में अभी इन्होंने 74 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में जून 22 में इन्होंने 71 करोड़ का रेवेन्यू किया था और पिछले साल इसी क्वार्टर में सितंबर 21 में देखोगे तो 49 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट दिखाए है कंपनी ने। तो ये कंपनी आगे जाके ग्रो करने वाली है और अभी आपको करेक्शन में मिल रहा है। तो इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए इस शेयर में। और देख सकते हो इंटरेस्ट कंपनी जीरो, डेट फ्री कंपनी है ये और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही है कंपनी, आप देख सकते हो। और अभी नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। आप देख सकते हो सितंबर 22 में कंपनी ने 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, पिछले क्वार्टर में किया था 24 करोड़, तो थोड़ी सी ही जंप है। और पिछले साल 13 करोड़ का किया था 21 में। तो ईयर ऑन ईयर जबरदस्त जंप दिखाई है कंपनी ने। तो ये कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है और इस कंपनी का बिजनेस भी जबरदस्त है, बिजनेस मॉडल। तो ये कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है, तो इस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है लॉन्ग टर्म में। और अभी हम आते शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 67.2%, FIIs है 1% और DIIs 2% के ऊपर है। और पब्लिक देखिए 30% पब्लिक है, पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठा रखा है। बस आपको होल्ड करना है इस शेयर को, आप होल्ड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जरूर बना के देगा। और अभी देखिए 3.6% DIIs थे, DIIs थोड़ा माल भी बेच के निकल रहे इसमें से। तो ये शेयर थोड़ा सा अभी इनकी वजह से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि इन्होंने हीवली सेलिंग की होगी तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा शेयर नीचे आ चुका होगा। और अभी देखिए इसमें KPIT टेक, ये कंपनी भी 7000 करोड़ का ही मार्केट था, क्या था इसका, और जबरदस्त रैली हुई है क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही वैसा है और वो कंपनी आगे जाके और ग्रो करने वाली है। और आप देख सकते हो KPIT टेक का भी 18900 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। उसके नीचे FL इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट, सीएंट और उसके बाद आता है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो इसमें जबरदस्त अभी आप देख सकते हो 7790 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 44% करेक्शन में मिल रहा है आपको शेयर। और नेक्स्ट है बिरला सॉफ्ट, इसमें भी लगभग 50% क्रैश हो चुका है इस शेयर में भी। तो ये दोनों स्टॉक बहुत ही क्रैश में चल रहे हैं और ऑलरेडी पूरा आईटी का मार्केट ही क्रैश में है, थोड़ा सा करेक्शन में चल रहा है। आईटी के अब सभी स्टॉक आपको करेक्शन में ही मिलेंगे। तो इस करेक्शन का फायदा उठाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हर टाइम एक ही सेक्टर भागने वाला नहीं है, उस साइकिलिक में चले जा रहे। आईटी का थोड़ा सा साइकिल डाउन हो चुका है तो आईटी शेयर एक ना एक दिन जरूर भागेंगे, बस आपको होल्ड करना। और ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के जरूर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।